नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सीएम योगी ने की किन्नर से मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम योगी और सौरभ किन्नर की हुई मुलाकात। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, योगी के आवास पर हुई शिष्टाचार भेंट। चुनावों से पहले सोनम किन्नर ने लिया योगी का आशीर्वाद। बोर्ड की अध्यक्ष है सोनम। सीएम योगी और सोनम किन्नर की हुई योगी का आशीर्वाद। किन्नर कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष है सोनम किन्नर। लखनऊ विश्वविद्यालय बनेगा क्लीन ग्रीन कैंपस। छात्रों और शिक्षकों को मिलेगी फ्री ई रिक्शा सुविधा। दोनों विश्वविद्यालय परिसर के लिए 5 ई रिक्शा खरीदे जाएंगे। कुलपति ने दी ई रिक्शा खरीदने की अनुमति। लखनऊ विश्वविद्यालय बनेगा क्लीन ग्रीन कैंपस। छात्रों और शिक्षकों को मिलेगी फ्री ई रिक्शा सुविधा। दोनों विश्वविद्यालय परिसर के लिए 5 ई रिक्शा खरीदे जाएंगे। कुलपति ने दी ई रिक्शा खरीदने की मंजूरी। तो लखनऊ विश्वविद्यालय से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विश्वविद्यालय ग्रीन बनेगा। छात्रों और शिक्षकों को ई रिक्शा मिलेगी और फ्री सुविधा मिलेगी। दोनों विश्वविद्यालय परिसर के लिए 5 ई रिक्शा खरीदा जाएगा। कुलपति ने ई रिक्शा खरीदने की अनुमति दी है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लखनऊ विश्वविद्यालय क्लीन ग्रीन बनाने की शुरुआत की गई है। छात्रों शिक्षकों को फ्री ई रिक्शा सुविधा मिलेगी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 5 करोड़ से ज्यादा को लगी कोरोना वैक्सीन। करीब 5 करोड़ लोगों ने लगवाई वैक्सीन की दोनों डोज। दोनों डोज लगवाने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 5 करोड़ से ज्यादा को लगी कोरोना वैक्सीन। करीब 5 करोड़ लोगों ने लगवाई वैक्सीन की दोनों डोज। दोनों डोज लगवाने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। बड़ी खबर सामने आ रही है, जब वैक्सीनेशन के नए आंकड़ों को छूता हुआ उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग गई है। करीब 5 करोड़ लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई है। दोनों डोज लगवाने वाला प्रदेश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, टीईटी पेपर लीक में लिया गया बड़ा एक्शन। इस वक्त की बड़ी खबर, सचिव संजय उपाध्याय को सस्पेंड किया गया। सीएम के निर्देश पर सचिव पीएनपी ने लिया फैसला। पीएनपी ने ही किया था परीक्षा का आयोजन। पेपर प्रिंट करने वाले प्रिंटिंग प्रेस का मालिक भी गिरफ्तार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, टीईटी पेपर लीक में लिया गया बड़ा एक्शन। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सचिव संजय उपाध्याय को सस्पेंड किया गया। सीएम के निर्देश पर सचिव और पीएनपी निलंबित। गोरखपुर की जनता को सीएम योगी का तोहफा। बड़ी खबर सामने आ रही है, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। 2 दिसंबर को लॉन्च हो सकते हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट। जीडीए करेगा वासों की बुकिंग। 50 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे योगी। गोरखपुर की जनता को सीएम योगी का तोहफा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। 2 दिसंबर को लॉन्च हो सकते हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट। बड़ी खबर सामने आ रही है, जीडीए करेगा आवासों की बुकिंग। 50 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे योगी। गोरखपुर की जनता को सीएम योगी का तोहफा। बड़ी खबर सामने आ रही है, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। 2 दिसंबर को लॉन्च हो सकते हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट। जीडीए करेगा आवासों की बुकिंग। बड़ी खबर सामने आ रही है, 550 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेगी योगी। गोरखपुर की जनता
सीएम योगी का तोहफा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।